Assalamu alaikum dear students, class 3 boys and girls. Today we are going to talk about exercise number 8 and 20. Rest of the exercises shall be solved in your books. For exercise number 8 mein humne even aur odd numbers ko alag karna hai. Even numbers aur odd numbers kya hote hain isme hum ye detail mein padhenge. Usme kya hai ki pick out from the given numbers even numbers ko alag kare aur odd numbers ko alag kare. Even numbers aur odd numbers ki main ek aapko simple si definition batata hu. आप लोग खुद से समझ जाएंगे कि इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर्स आर दो नंबर्स डिविजिबल बाय टू। ऐसे नंबर को इवन नंबर कहा जाता है जो टू के साथ डिविजिबल है। जो टू के साथ डिविजिबल है उसको दोबारा रेज करके दोबारा लिख देना डिविजिबल। डी आई बी आई एस आई बी एल ई। इवन नंबर का दो नंबर होम आर डिविजिबल बाय टू। ऐसे नंबर इवन नंबर होते हैं जो टू के साथ डिवाइड हो या जिनके ऊपर टू का टेबल जाए। एक ही बात है। फॉर एग्जांपल टू से स्टार्ट करते हैं टू, फिर देन क्या जाएगी उसके बाद फोर, फिर सिक्स, एट, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन। ये वो नंबर है जो टू के साथ डिविजिबल है। अब टू को टू पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा, पूरा पूरा आंसर आएगा। फोर को टू के साथ डिवाइड करेंगे तो भी आंसर देगा। सेम राइट है, एट को डिवाइड करेंगे 10 को, 12 को, 14 को, 16 को, इवन जितने भी आगे नंबर आ जाए तो जितने भी आगे नंबर आते जाएंगे वो टू के साथ डिविजिबल हो जाएंगे इन दिस सीक्वेंस। लेकिन इसको इसकी चक्की का एक और तरीका ये होता है कि बहुत बार वैल्यूज बहुत बड़ी आ जाती है। फॉर एग्जांपल 1 2 7 8 आ गई तो बजाय इसके कि हम इस पूरे नंबर को चेक करें कि क्या ये इवन है या ऑड है, हम सबसे लास्ट वाले डिजिट को देखते हैं। अगर सबसे लास्ट वाला डिजिट इवन है तो ये पूरी वैल्यू इवन होगी, और अगर सबसे लास्ट वाला डिजिट ऑड है, ऑड भी अभी हम पढ़ेंगे, तो ये पूरी वैल्यू ऑड कहलाएगी। अभी इस वैल्यू में यहाँ पे देखें तो एंड वाला डिजिट इवन है तो 1278 इज एन इवन नंबर, तो ये एक इवन नंबर कहलाएगा इस पे इवन नंबर। और इसे हम ऑड को पढ़ लेते हैं ऑड नंबर्स आर दो नंबर होम आर नॉट डिविजिबल बाय टू। ऐसे नंबर ऑड नंबर कहलाते हैं जो टू के साथ डिविजिबल ना हो। तो टू के साथ डिविजिबल ना होने का मतलब ये है कि जो आपके पास इवन नंबर हैं उनके अलावा जो बाकी नंबर बचते हैं वो आपके पास ऑड होंगे। तो ये स्टार्ट होता है टू से, तो ऑड नंबर स्टार्ट होता है 1 से। 1 के बाद टू आता है, टू चूंकि इवन है तो ऑड नहीं हो सकता। टू के बाद 3 आएगा तो 3 चूंकि इवन नहीं तो ऑड होगा। फिर इसके बाद 3 के बाद 4 आता है तो 4 तो इवन है, इवन तो ऑड नहीं हो सकता। 4 के बाद 5 है, 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13 फिर 15 13 19 एंड सो ऑन। दीज आर ऑड नंबर्स। और इसी तरह अगर आपके नंबर आ जाते हैं 1 3 5 7, लेट्स से ये नंबर है। अब इस नंबर को अगर हमें चेक करना हो तो हम ये नहीं देखेंगे कि टू के साथ किस तरह डिवाइड करें या राइट पे पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं होता, फिर हम डिसाइड करें कि ये इवन है या ऑड है। इसको भी हम लास्ट वाला डिजिट को देखते हैं। लास्ट वाला डिजिट अगर इवन है तो पूरी वैल्यू इवन होती है, और अगर लास्ट वाला डिजिट ऑड है तो पूरी वैल्यू ऑड होगी। तो यहाँ पर देखो लास्ट वाला डिजिट ऑड है तो ये पूरी वैल्यू ऑड होगी। 3 1 3 5 7 इज एन ऑड। तो ये ब्रीफ सा टॉपिक था। अब आप बुक में से बहुत सारे दिए हुए हैं क्वेश्चन दिए हुए, वहाँ से इवन और ऑड अपने लग जाते हैं। सिंपल सा फार्मूला मैंने आपको बता दिया, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। और जो एक्सरसाइज नंबर 20 है वो भी मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 20 सॉल्व करता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 20 में उस बुक में पूछा उसने राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड देन राइट देम इन असेंडिंग ऑर्डर। फॉलो फोर डिजिट नंबर
smallest four digit number ये हमने लिखना है। अब सबसे पहले डिजिट्स हम पढ़ लें, तो डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जीरो को ना भी इंक्लूड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वन से स्टार्ट करें क्योंकि काउंटिंग जो है वन से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट नहीं होती। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 था। अब हमने स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर लिखना है ना, तो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर लिखने के लिए सबसे पहले आप लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर लिखें। यहाँ पर लार्जेस्ट डिजिट कौन सा है? 9। तो थ्री डिजिट का मतलब है 9 को तीन दफा लिखें, 9, 9, 9। और जब हम उसमें 1, 2 प्लस कर देंगे ना, तो जो हमारे पास नया आंसर बनेगा दैट इज स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। तो ये देखें, आपके पास 1, 2, 3, 4 डिजिट्स आ गए। इसका मतलब है 1000 इज द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट। आसान काम, स्मॉलेस्ट वाले पहले कर लेते हैं। नंबर 4, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब ये देखिए, यहाँ पे हमने स्मॉलेस्ट अब 6 डिजिट लिखना है ना, तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट लिखने के लिए आपको लार्जेस्ट पहले 5 डिजिट लिखना पड़ेगा। तो लार्जेस्ट डिजिट 9 होता है, तो 9 को 5 पर लिखे 9, 9, 9, फिर 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5। ये है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। और जब आप लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर में 1 को प्लस कर देंगे तो जो नया नंबर बनेगा वो आपके पास बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। नया नंबर जो आपको हासिल होगा ना, दैट इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर जो भी बंदा है रिटर्न अकाउंट में अप्लाई कर सकता है। ये तो थे स्मॉलेस्ट। अब हम लिखते हैं लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो ये तो बहुत आसान काम है। सबसे बड़ा डिजिट 9 है, तो 6 डिजिट लिखना है। तो आप 9 को 6 में लिख दो, 1, 2, 3, 1, 2, 3। दिस इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। और आगे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर को अगर लिखना है, तो लार्जेस्ट डिजिट सबसे बड़ा 9 है, तो 9 को 5 में लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5। This is the largest number. This is the very simple exercise. This was exercise number 8 and exercise number 20 we have did. And next, बाकी जो exercises हैं वो आप लोग अपने books के ऊपर करेंगे, वहीं पे आपको आपके teacher समझाएंगे और then वो आपने solve कर लेनी है। I hope so आपको समझ आएगी, आ गई होगी। अपना बहुत